Welcome to Time News Studios. You are watching 9 a.m. Bulletin. मुल्क में कोरोना वायरस मुतासर जो अंगु 34,336 थी वो 24 कलाक दौरान 31 शहरी फौत 2,225 नवा केस रिपोर्ट थे। पंजाब में 13,225, सिंध में 12,610, खैबर पख्तूनख्वा में 5,021, बलूचिस्तान में 2,158, इस्लामाबाद में 769, गिलगित बल्तिस्तान में 475, आज़ाद कश्मीर में 88 शहरी कोरोना जो शिकार। हेल तई हयातियों विनाइंदड़न जो अंग 737 थी वो 8,812 शहरी कोरोना के शिकस्त दई सेहत याब थी वया। वफाकी काबीना लॉकडाउन में नरमी करण से इतफाक कर वरतो। जरियन मौजूद वजीर आजम इमरान खान जो चवण है तो शुरू का ही लॉकडाउन जो हामी न हो। लॉकडाउन में मरहलेवार नरमी कई वेंदी। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामू अची वही। वजीर आजम बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस बहाल करण जो इशारो दई छो। इमरान खान जो चवण है तो सूबन से इतफाक बाद ट्रेन सर्विस और ट्रांसपोर्ट खोली वेंदी। पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी और आज मैं सुबाई तासुब की बू जब देखता हूं तो मुझे तश्वीश होती है। इसका मतलब क्या है? हम तो हर सुबह के बात करते हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी सिंध के दारुल खिलाफे पे अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एनपीएम हमारी जो हलीफ जमात है उनकी अक्सरियत है। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए? ये शख्स सियासी लोहा मनाने की बात कर रहा है। मैं इनकी जमात का हिस्सा रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के जवानी के कई साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं। जब वो हमारा वजीर साहब था किसने अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया और अब भी वही वजीर अपनी जमात में वही खेल खेल रहा है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ए परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी में लफ्जी जंग तेज। परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी जो चवण है तो पीपी सिंध कार्ड खेडण बंद करें, असा सिंध में डाको जमायण अची रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो चवण है तो सिंध कार्ड जो मतलब है शाह महमूद कुरैशी मुआफ़ी वठे या इस्तीफा दे, ही वक्त सियासी धाको जमायण जो ना। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी 8 एनएफसी अवार्ड दियण लाए 10 एनएफसी कमीशन जोड़ी वरती। नोटिफिकेशन जारी। नाणे खाते के सलाहकार अब्दुल हफीज शेख के कौमी मालियाती कमीशन जो चेयरमैन बनाया वो। सिंध में डॉक्टर असद सैयद, पंजाब में तारिक बाजवा, केपीके में मुशरफ रसूल और बलूचिस्तान में जावेद जब्बार कमीशन जहाँ मैंबर्स होंद। चैनी सूबन जहाँ नाणे वारा वजीर भी कमीशन के मैंबर्स में शामिल। रिथाबंदी वे वफाकी वजीर असद उमर खंडरू बोहरान की जांच लाए जोड़ल कमीशन आडो पेश थी। ईसीसी इजलास में खंडरू बाबत कल फैसल के हवाले से पुछल सवाल जा जवाब दिना। कमीशन पंजाब के वे वजीर उस्मान बोजदार के अर तलब कर वरतो। वे वजीर का खंडरू से 11 शुगर मिल्स के दिनल 3 अरब सब्सिडी बाबत सवाल क्या वा। असद उमर जो चवण है तो तमाम जल्द पतो पैजी वो तो इमरान खान और बेन हुकुमरानन में कड़ो फर्क है। कोर्ट्स के जो कवानीन हैं उन कवानीन के अंदर ये प्रोविजन ही मौजूद नहीं है कि आप बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास कर देंगे। ये कानूनी चीज़ है, हमने उस कानून को भी देखना है और अगर हमने ये कोई फैसला करना है उस कानून से हटकर तो हमें उस कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी।
सिंध सरकार वफाकी हुकूमत के फैसले के उबतड़ सूबे में बोर्ड जा इम्तिहान कराने बाबत कमेटी जोड़े छड़ी। पेरी जून ते स्कूल्स न खोलने जो फैसलो। स्टेयरिंग कमेटी के इजलास बाद तालीम वाले वजीर सईद गनी जो चवण हो त पेरे का अठे दर्जे ताई शागिर्दन के प्रोमोट कयो वेंदो। स्कूल्स खोलण लाए नई तारीख जो ऐलान बाद में कयो वेंदो। खैरपुर वेझो निंड सुतल घर भातिन मथा भित किरी पई। नींगर ए नींगरी दबजी फौत। औरत समेत टे जणा जख्मी थी पया। गोठाणन मलबे हेठियां दबजी फौत थियलन जा लाश ए जख्मीन के कढ़ी अस्पताल मुंतकिल करे छड़ियो। बिन मासूम बारन जे फौत थियण बाद इलाके में सोग जी लहर। कराची के इलाके नाजमाबाद में कार में बिन मासूम बारन जा टे ढी पुराना लाश हथ। बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस जो चवण है तो बारन के टिन साल मोहम्मद ए चैन साल उबैद तौर सुप थी है। सदन मौत बाबत मुख्तलिफ रुखन का जांच शुरू कई वही है। लाड़काने के खिची पाड़े में वधिक एक औरत के फौत थियण बाद एक ही कुटुंब से लागापल फौतगिन जो अंग वधी अठ थी वयो। कोरोना में मुब्तला रतदेर जा छह मरीज मुबैना सियासी सिफारिशों से लाड़काने के करंतीना सेंटर में घर रवाना। डीसी मामले जो डीएचओ के जिम्मेवार करार डींदे खेस शो कॉज जारी कर छोड़ो। डीसी नोमान सिद्दीकी कोरोना बाबत सजायल इजलास में डीएचओ अतर शाह के निकाली दई छी। सिंध में माकड़ तबाही मचाए छी। 15 जिलों में माकड़ के कटकन भाजन बूटन ए फसल के खाई चट कर छोड़ो। फसल नास थियण सबब आबादगार जहाँ मथे से हथ अची वाया। जरवार शहर ए भरपासे में माकड़ मार स्प्रे करायो वो। जरात वे सूबाई वजीर इस्माइल राहू सखर मीरपुर खास ए शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में छह जहाजन जरिए माकड़ मार स्प्रे कराने जो मुतालबो कदे है तो एनडीएमए पाक फौज भी माकड़ के खात्मे लाए मदद कर। समूरी दुनिया में कोरोना मरीजन जो तादाद 43,40,000 का वधी वयो। 24 कलाकन अंदर वधिक 4,763 जणा हयाती विञाए वेठा। 76,000 का वधिक नवा केस रिपोर्ट। अमेरिका में 1485, ब्राजील में 440, फ्रांस में 348, कैनेडा में 174, भारत में 121, मैक्सिको में 108 जणा फौत थी वया। हेल तई हयाती विञाईंदड़न जो अंग 291,894 थी वयो। अस्सलामु अलैकुम। टाइम न्यूज़ सगत माया हमीर शेख। हेडलाइंस हमारे थियूं तफसीली खबरों ब्रेक का।